सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो दोबा मेर ते मैं तुहाडे नाल सुदेश कुमारी। बीते दिन गुरदासपुर के एक निजी हस्पताल विच महिला सरकारी अध्यापका दी होई मौत तो बाद पुलिस प्रशासन वालों गिरफ्तार किए तीन डॉक्टरों का मामला गरमा गया है। गुरदासपुर विच निजी अते सरकारी हस्पताल के डॉक्टरों ने काम बंद कर SSP अते DC गुरदासपुर नूं मंग पत्र दिता अते कहा कि पुलिस प्रशासन ने डॉक्टरों के उपर गलत धारा तहत मामला दर्ज किया है अते उन्हां दे नाल मार कुटाई भी की गई है। उन्हां कहा कि डॉक्टरों वालों करवाए गए मेडिकल विच उन्हां दे सट्टा लगियां पाईयां गईयां हन। उन्हां मांग की है कि जेकर डॉक्टर कसूरवार है तो कानून मुताबिक कार्रवाई की जाए, डॉक्टरों को परेशान न किया जाए। इस संबंधी जानकारी दिंदे प्राइवेट डॉक्टर एसोसीएशन के प्रधान डॉक्टर बलविंदर सिंह बाजवा अते डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह कलियर ने कहा कि डॉक्टर पाटिया के हस्पताल में महिला की हुई मौत के मामले में तीन डॉक्टरों को पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी दौरान डॉक्टरों के नाल खिंचतू की गई है अते उन्होंने उपर गलत धारा तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कानून मुताबक अपना काम नहीं कर रही, इस दे रोस वजो अज उन्हां वल्लों मुकम्मल तौर ते गुरदासपुर दे सारे निजी अते सरकारी हस्पताल बंद कर दिते गए हन अते कहा कि इस दौरान जेकर किसी मरीज नूं कुछ हुंदा है तां उसदा जिम्मेवार प्रशासन होवेगा। डॉक्टर एसोसीएशन वल्लों SSP गुरदासपुर अते DC गुरदासपुर नूं मंग पत्र सौंप के मंग की गई है कि कानून मुताबिक डॉक्टरों के उपर बनती कार्रवाई की जाए, डॉक्टरों नूं जान बुझ के तंग परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि जेकर डॉक्टरों नूं तंग परेशान किया गया तो आने वाले समय में वो सूबा पद्धर से रोस प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। दोबा मेल के नाल गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की विशेष रिपोर्ट। काफ़ी गुंडागर्दी भी हुई है और उस तो बाद उन्होंने अरैसट किया गया, जिहड़ा कि बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी एग्जामीनेशन के, बिना किसी मेडिकल के उन्होंने अंदर रखा गया। और यह भी असी देखे और साढ़े को मतलब अं उन्होंने देखा भी है, जाके एग्जामिन भी किया, उन्होंने सट्टा भी लगिया हुई हैं और माप ने कुटिया या किसी ने कुटिया ये सानू ऐसे नहीं कह सकते, पर उन्होंने इंजरी ने उन्होंने उन्होंने एक छोटा बच्चा भी है जां डॉक्टर मतलब डॉक्टर का बेटा वा उसका कोई भी कसूर नहीं, क्योंकि वह पठानकोट काम कर रहा ही रेडियोलॉजिस्ट है, उन्हें ओदा ऑपरेशन किसी काम च कोई वाह नहीं पैंदा और उसनू भी फड़ लिया। और इन्होंने कहा ये कि असी तुहानू दो घंटे बाद फ्री कर दिंदे आ, और डॉक्टर साहब ने बड़े रिक्वेस्ट करके साढ़े जिहड़े दूसरे डॉक्टर से उस टाइम उत्ते नहीं सी डॉक्टर मनजीत बब्बर जिन्हां नू असीं उस वेले बुलाया और वह पहुँच गए। सारे डॉक्टरों ने जिहड़े तीनों डॉक्टर से इन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, इमीडिएटली इन्होंने नाल गए ने। पर उस तो बाद जिहड़ा इन्होंने एक्शन किया जिहड़ी मतलब एक्ट इन्होंने ला के उन्होंने अरैसट किया वो 304 आ, जिहड़ी कि असीं मर्डरर नहीं आ असी, हाँ साड़ी मिसटेक हो सकती है, नैगलीजेंसी हो सकती है, उहदे विच जे कोई तारा लगती भी है वो 304A है। और इन्होंने बिल्कुल उन्होंने इग्नोर करके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नूं इग्नोर करके हर पास्यों जिहड़ी पूरे इंडिया च इलाज जिहड़ा चल रहा साढ़े तो मतलब कल्ले गुरदासपुर जिते डॉक्टर ने जिदा दसिया पिछले 60-70 ईयर तो यह कभी इदा नहीं होया, फस्ट टाइम होया। और असी डॉक्टरों से बड़ा रो डॉक्टरों से बड़ा रोश है और असी अज बिल्कुल OPD एमरजेंसी सब कुछ बंद करके असी कोई पेशेंट नहीं देखांगे और ये इनडेफिनेट स्ट्राइक है। एट प्रेजेंट अही IMA जिहड़ा पूरा पंजाब का वो इनवॉल्व हो रहा, कल तो सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर इनवॉल्व हो रहा, सिविल हॉस्पिटल धारीवाल भी आ रहा और बाकी के सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर जिहड़े ने वो भी असी सर्विस जिहड़ियां ने वो बंद कर देंगे। और इस तरह लैबोरेटरीज एंड मेडिकल स्टोर वो भी साडा साथ देने नूं मन गए ने। और जे इस तरह ही रहा तुसीं देख लो किन्नी माड़ी हालत होएगी डिस्ट्रिक्ट की, और जिते तो एक डैथ हुई है वो तो अणगहली मतलब असी मन सकते हैं कि अणगहली हुई है या नहीं हुई बाद च प्रूवन होएगा, पर यह अणगहली इन्हां दी अपनी होएगी, ये कसूर इन्हां दा अपना होएगा, जिम्मेवार ये अपने होणगे। असी मतलब काम करना बिल्कुल बंद किया होया और बंद ही रहेगा जब तक उन्होंने इंसाफ नहीं दिता जाता जां उन्हां दी कन्वर्शन नहीं होंगी। और धारा भी गलत लाई है और गलत तरीके ने फड़िया गया। जदों भी कोई यहोजी किसी हस्पिटल दे विच कोई यहोजी घटना वापरदी है तो उस तो सब तो पहला यह होंगे कि सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइन बनिया ने कि जिदे विच तुसी एक मैडिकल बोर्ड का गठित करना होंगे जिहड़ा कि वह मैडिकल बोर्ड के 3-4 मैंबर होंगे ने, वो डिसाइड करते हैं कि इत्थे नैगलीजेंस हुई है किहो जी हुई है कौन कसूरवार है, उहदी रिपोर्ट SSP साहब नूं जांदी है, उहदे बेस ते जो अगे एक्शन हुंदा। लेकिन इस केस विच मैं पहला भी कहा भी सानूं बहुत दुख है
जी मौत हुई है जवान बीबी सी नहीं सी होनी चाहिए हो गई है वो साढ़े वास्ते नहीं अजे भी अं दुख की घड़ी चुनाव के नाल हैं पर जो पुलिस जो एक्शन सीगा वो मतलब बिना मतलब गाइडलाइन फॉलो किए बगैर इन्होंने मतलब वो साढ़े जो डॉक्टर से उन्होंने पहला तो इन्होंने अपनी कस्टडी लिया लैके गए सानू श्योर किया कि अं घंटे डेढ़ घंटे इन्हों जमानत लैके भेज देंगे लेकिन उत्थे जा के इन्होंने एक इन्हों की प्रेजेंस में क्योंकि साढ़े को चले गए ने उत्थे जा के इन्हों की कस्टडी के साढ़े पता नहीं कि ने उन्होंने सट्टा मारियां ना उन्होंने टॉर्चर होया उन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार है लेकिन मेडिकल हो गया गलत होया एमएलआर कटया गया ठीक है ना और एमएलआर ते इंजरीयां जिहड़ियां नोटड़ दे ते दूसरी चीज ये है मतलब कि ये चीज नहीं सी होनी चाहिए असि अज मतलब द्वारा एसएसपी साहब नूं मिलने जा रहे हैं उन्होंने द्वारा जिहड़ियां साडियां सुप्रीम कोर्ट दीआं गाइडलाइनज ने उहदा असि बारे दसा लैटर भी देंगे कि ये जिहड़ियां ऑलरेडी फ्रेम्ड हैगियां साडियां अपनियां नहीं हैगियां सुप्रीम जी मैं कपिल ठाकुर एडवांस अमेरिकन तो अज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कि रीसेंटली हमने अपने ट्वेल्थ के एग्जाम कंप्लीट किए हैं हूँ वो आयल्स या पीटीई करने के लिए एक बढ़िया इंस्टीट्यूट की भाल के हो गए स्टूडेंट्स मैं तुम्हें दस देव कि हूँ असी मुकेरिया के नाल नाल दसूहा के विच भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर चुके हाँ जिथे कि स्टूडेंट्स की बहुत एक भारी डिमांड सी कि असी मुकेरिया के नाल उन्होंने दसूहा के विच भी आयल्स और पीटी की कोचिंग दे सकी है सो स्टूडेंट्स जेकर तुसी भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच अपना आयल्स या पीटी का एग्जाम क्लीयर करना चाहते हो तो साडे मुकेरिया ऑफिस या फिर दसूहा ऑफिस दे विच आके विजिट कर सकते हो अते डिजायरेबल स्कोर तुसी लै सकते हो दैट्स माई चैलेंज कि तुसी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच ही अपना पीटी का और आयल्स का एग्जाम क्लीयर कर सकते हो वधेरे जानकारी दे लई साडे हेठ दित्ते नंबरां दे उपर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अते अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हो थैंक यू।